चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? एक बार कैमरा ऑन कर लें, फोटो भी ले लें। प्रमोद, आदित्य, अरुण, प्लीज टर्न ऑन कैमरा। Yes, today I will discuss about circulating water system and cooling tower, cooling pond. This is the part of unit 2 and the last lecture, second last lecture, outline of the today lecture, that is the introduction of cooling tower, types of cooling tower, introduction of cooling pond, types of cooling pond. So these are the contents. What do you mean by the cooling tower? Cooling tower का मतलब क्या है? Cooling tower एक thermal power plant का एक important part है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। Cooling tower से cooling water supply होता है condenser side में, जहाँ की steam को condense करते हैं, liquid form में लेके आते हैं, और फिर hot water इकट्ठा होता है तो उसको हम वापस से circulate करके भेज देते हैं। तो दो तरीके के cooling tower होते हैं। पहला एक natural draught type का cooling tower होता है, दूसरा आपका mechanical cooling tower होता है। तो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर जो होते हैं वो आपके नेचुरल वे में काम करते हैं, उनको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं रहती है। जबकि मैकेनिकल कूलिंग टावर में दो तरीके की फोर्स ड्रॉट लगा रहता है या इंट्रोड्यूस ड्रॉट लगा रहता है, तब हम कूलिंग वाटर की सप्लाई करते हैं कूलिंग टावर के द्वारा। तो नेचुरल ड्रॉट जो कूलिंग टावर है, इसमें जो नेचुरल वे है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा हम यूज़ करते हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, अलग है दूसरे जगह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल वे क्रिएट कहता है प्रोड्यूसिंग ऑफ द हाई वाटर वॉल्यूम, ताकि हम ऑटोमेटिकली फ्लो करा सकें वाटर पानी को एक पाइप के थ्रू लगा के, इस तरीके से हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। एंड इट डिज़ाइन विल वेल मेंटेन बाय द कॉन्क्रीट ऑल्सो। तो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर ऑपरेट्स ऑन द स्टैक इफेक्ट। स्टैक मीन्स अ चिमनी इफेक्ट और विच कॉजेज द हॉट एयर इन द टावर टू राइज। तो जितनी भी हॉट एयर रहती हैं टावर में राइज होती है नेचुरल ड्रॉट के थ्रू। तो दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ द नेचुरल टाइप ऑफ कूलिंग टावर। जैसा कि थर्मल पावर प्लांट में यदि कभी विजिट आपने यदि कहीं फोटो वगैरह या इसके वीडियोस वगैरह देखें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द नेचुरल टाइप ऑफ द कूलिंग टावर, हाइपरबोलिक कूलिंग टावर। तो हर्डल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, वाटर स्प्रे यहाँ से करते हैं, तो वाटर स्प्रे करने के कारण जो हॉट एयर रहती है वो यहाँ से निकाली जाती है, एंड द एयर इज निकाली जाती है एयर बॉटम साइड से, वो एयर पंप के थ्रू निकाली जाती है। एयर जो है फोर्स फैन नेचुरल वे में अंदर आती है, हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर साइड, क्योंकि कंडेंसिंग जब पानी स्टीम की हो चुकी है तो हॉट वाटर बनेगा। हॉट वाटर बनने के बाद वहाँ से कंडेंसर से जो पानी आ रहा है इसको यहाँ पे पास करके और पॉन्ड में भेजा जाता है ताकि वो ठंडे पानी के रूप में कलेक्ट हो सके। तो कूल्ड वाटर जो भी बनता है उसको हम यहाँ से डिस्चार्ज कर लेते हैं बॉटम साइड से। तो दिस इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द नेचुरल टाइप ऑफ द कूलिंग टावर। क्या एडवांटेज हो सकते हैं? पावर सेविंग रहती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहता है, नो मैकेनिकल नॉइज, कोई क्योंकि पंखा नहीं लगा रहेगा, फैन नहीं लगा रहेगा तो कोई नॉइज नहीं होगी। ऑपरेशन सेफ्टी रहता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्ट्स कम रहते हैं। नो रिसर्कुलेशन एज द प्लूम इज रिजेक्टेड एट द हाई लेवल। यहाँ पे रिसर्कुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि हाई लेवल पर रिजेक्ट कर दिया जाता है इसे। लिमिटेड प्लॉट एरिया रहता है, इसके लिए लिमिटेड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है। पे बैक पीरियड जो रहता है 8 से 16 साल का रहता है। डिसएडवांटेज में भी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। दूसरा जो रहता है लार्ज ओवरऑल डायमेंशन रहता है, दैट कुड कॉजेज द डिफिकल्टीज। ओवरऑल डायमेंशन देखेंगे तो हाइपरबोलिक जो आपको कूलिंग टावर दिख रहा था उसका डायमेंशन बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि अपने को एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, हाई लेवल मेंटेन करना पड़ता है जहाँ से कि पानी को हम नेचुरल तरीके से सप्लाई कर सकें। मैकेनिकल ड्राफ्ट जो कूलिंग टावर होते हैं इट इज मच सिमिलर टू द नेचुरल ड्राफ्ट, बट हियर द वाटर या एयर जो सर्कुलेशन होता है वो ड्राफ्ट फैन के थ्रू होता है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से नहीं होता है, इसलिए इसका नाम है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर।
जो प्रोपेलर फेन या सेंट्रिफ्यूगल फेन है उसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, प्रोपेलर फेन या सेंट्रिफ्यूगल फेन को। यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया है फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर्स, और फिल आप देख रहे हैं एयर आउट्स जो कि राइज होकर ऊपर चली आती हैं, एयर को यहाँ से फैन के द्वारा अंदर भेजा जाता है। तो जो कूलिंग सिस्टम हो रही है, क्योंकि आपका जो गर्म पानी है वो आपका कंडेंसर यूनिट में से आ रहा है, जैसे कि हम हीट एक्सचेंजर भी बोल रहे हैं, वो यहाँ पे पास किया जाता है और इन बैफल्स के थ्रू या एफल्स के थ्रू यहाँ पे जब इसमें करते हैं और एयर के थ्रू उसको ठंडा किया जाता है, तो यहाँ पे पानी नीचे कलेक्ट हो जाता है और वापस से इसको ठंडे पानी को हम वापस से हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। तो चूंकि एक फैन लगा है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। यदि फैन नहीं लगा रहता, नेचुरल तरीके से होता, तो उसे हम बोलते थे नेचुरल ड्राफ्ट टाइप ऑफ कूलिंग टावर। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? फॉर द सेम कैपेसिटी यूज, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर मच स्मॉलर देन द नेचुरल ड्राफ्ट। ये साइज में बहुत छोटा होता है कंपेरिजन टू द नेचुरल टाइप। नेचुरल टाइप में आप देख रहे थे कि बहुत बड़े साइज की रिक्वायरमेंट है, चूंकि हाई लेवल का अपने को मेंटेन करके चलना था। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कूलिंग कैपेसिटी ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द एयर। ये सिर्फ इसलिए होता है कि कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसका एयर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, बींग फोर्स आउट ऑफ द फैन, जो कि फैन के द्वारा वो किया जाता है, फोर्सफुली फेंका जाता है। और यदि बात करेंगे आगे जाएंगे तो कैपेसिटी कंट्रोल जो है पॉसिबल होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट के द्वारा, कूलिंग टावर के द्वारा। तो बाई कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द फैन द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी कंट्रोल। तो यदि स्पीड फैन की कंट्रोल करनी है तो वॉल्यूम ऑफ एयर का जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, विच इन टर्न कंट्रोल द कैपेसिटी। तो इसके द्वारा हमारी जो कैपेसिटी रहती है वो कंट्रोल किया सकती है फैन की। एज डू नॉट डिपेंड अपॉन द एटमोस्फेरिक एयर। नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर में आप क्या देख रहे थे कि नेचुरल जो एयर फ्लो हो रही थी उसके द्वारा कूलिंग हो रही थी। द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर शैल बी लोकेटेड इवन इनसाइड द बिल्डिंग। तो इनसाइड ऑफ बिल्डिंग में ये लोकेटेड रहता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो मोर पावर इज रिक्वायर्ड, इंक्रीज रनिंग कॉस्ट। तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, चूँकि अब आर्टिफिशियल तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और चूँकि फैन लगा देंगे तो रनिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाएगी। नेचुरल वे में कोई भी फैन नहीं लग रहा था तो रनिंग कॉस्ट उसकी नहीं थी, ना के बराबर थी। तो मेंटेनेंस बढ़ जाता है, यदि आप फैन लगाएंगे तो मेंटेनेंस बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रनिंग हो रही है तो मेंटेनेंस होना स्वाभाविक है। तो फैन या मोटर जितने भी एसोसिएट कंट्रोल्स रहते हैं लगाने के, उन सबकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कि हम आर्टिफिशियल तरीके से आप कूलिंग करवा रहे हैं। इंड्यूस ड्रॉप टाइप का काउंटर फ्लो टाइप का यदि आप देखेंगे तो काउंटर फ्लो में कि एयर का जो सर्कुलेशन है, जो वाटर का सर्कुलेशन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। सो मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर विथ ए फैन एट द डिस्चार्ज एट द टॉप विच पुल्स एयर अप थ्रू द टावर, ये हमारा इंड्यूस ड्रॉट कहलाता है। द फैन इंड्यूस हॉट मॉइस्ट एयर आउट द डिस्चार्ज, ये आपका एक इंड्यूस ड्रॉट का फीचर्स रहता है। और इट प्रोड्यूसेस द लो एंटरिंग इन द हाई एग्जिस्टिंग एयर वेलोसिटी रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसर्कुलेशन इन विच डिस्चार्ज एयर फ्लो बैक इनटू द एयर इनटेक। इस केस में क्या होता है, क्योंकि काउंटर फ्लो टाइप का इंड्यूस ड्रॉट है, फैन तो लगा ही रहेगा, साथ में इसका जो अरेंजमेंट रहेगा वो आपका एक प्रकार से काउंटर अरेंजमेंट रहेगा कि एयर और जो वाटर का फ्लो अरेंजमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और फैन जो रहता है हॉट मॉइस्ट एयर को डिस्चार्ज करता है बाहर साइड पे, और इसको जो बोला जाता है कि आपका ड्रॉट है प्रोड्यूस हो रहा है बाय द एक्सटर्नल डिवाइस, ये भी आपको पता है, बट यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो जो टॉप हो रहा है ऊपर साइड पे कर रहे हैं, जो कि एयर को खींचता है टावर के साइड से। और चूंकि ये इसकी जो एंट्री रहती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बॉटम साइड से होती है, और जो एग्जिस्ट होता है वो काफ़ी अपर साइड से होता है, और उसकी जब एग्जिस्टिंग होती है या बोलना चाहिए जब ये डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर के साइड पे, तो काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी से इसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये आप ये देख रहे हैं कि हॉट एयर जो आउट है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाई वेलोसिटी से ये बाहर जाता है, एयर अंदर आ रही है लोअर साइड से, तो वो लो वेलोसिटी में रहती है, लेकिन आफ्टर द इम्पैक्टिंग जैसे यहाँ पे वर्किंग खत्म होगी, चूंकि हॉट वाटर कंडेंसर साइड से आ रहा है, जब कंडेंसर साइड से वाटर आएगा यहाँ पे और उसको यहाँ पे अपन इस पूरे फॉर्म में लेके आएंगे और एयर यहाँ नीचे से इम्पैक्ट करेगी, काउंटर अटैक करेगी, तो उस केस में जैसे ही यहाँ पे कूलिंग वाटर कलेक्ट होगा उसको इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो गर्म हवा हो रही है, चूंकि हीट एक्सचेंज हो रही है एयर और वाटर के बीच में, हीट एक्सचेंज हो रही है, जब हीट एक्सचेंज होगी तो उस केस में
हॉट एयर बाहर की तरफ जाएगी, तो हॉट एयर को बाहर निकालने के लिए फैन लगाया गया है जो कि आईडी फैन कहलाता है, और स्प्रे एलिमिनेटर जो लगाए गए हैं ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से स्प्रे के फॉर्म में उसको बाहर भेज सकें। पैकिंग्स लगाने का रीजन सिर्फ ये रहता है कि जितनी भी माउंटिंग्स लगी हुई हैं वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें और उन्हीं पे ही अटैक कर सके वाटर। इंडिजिनस डॉट में क्रॉस फ्लो की भी बात करेंगे, तो क्रॉस फ्लो में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं, कूलिंग जो आपका पानी आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है कमिंग फ्रॉम द आपका स्टीम टरबाइन कंडेंसर साइड एंड जो एयर पास हो रही है फैन के द्वारा, वो दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं, क्रॉस होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर। बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोज द एयर डज नॉट नीड पास थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस परमिट द यूज ऑफ द हॉट वाटर फ्लो बाय ग्रेविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बेसिन ऑन द टॉप ऑफ द टावर राइट अबव द फिल मीडिया। तो चूंकि क्रॉसिंग हो रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत ही नहीं है एयर को, जैसा कि अभी आपने देखा था वहाँ पे पैकिंग्स वगैरह लगा दी गई थी तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पैकिंग के द्वारा हो रहा था, बट यहाँ पे पैकिंग नहीं है। विदाउट असम्स ऑन द पैकिंग ये यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है एंड परमिट यूज ऑफ द हॉट वाटर फ्लो द वाया ग्रेविटी। तो जो जितना भी पानी है, गर्म पानी आ रहा है वो वाया ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है कंडेंसर यूनिट से। दिस इज द सिस्टम कि हॉट वाटर इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर साइड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट एंड द हॉट वाटर कंडेंसर साइड इज कमिंग ऑल्सो दिस साइड एंड हॉट एयर आउट बिकॉज ऑफ द, चूंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब वाटर आएगा तो एयर भी जो रहेगी ऑटोमेटिकली राइज होकर गर्म होकर यहाँ से निकल जाएगी, और जो फैन का इस्तेमाल किया जा रहा है थोड़ी सी इसकी जो कॉस्ट रहती है कंपेरियन टू द काउंटर फ्लो टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कंपेरियन टू दिस देखा जाए, और जितना भी कूलिंग वाटर इकट्ठा हो रहा है वो कंडेंसर साइड से उसको बॉटम साइड से निकाल के अलग किया जा रहा है। वाटर स्प्रे जो है यहाँ पे नोजल्स लगे रहते हैं, जो आप ये देख रहे हैं ये नोजल्स, छोटे छोटे नोजल्स लगा दिए गए हैं, ये नोजल्स के थ्रू वाटर स्प्रे किया जाता है ताकि हम प्रॉपर अमाउंट में कूलिंग अरेंजमेंट कर सकें। अब चूंकि ये चीज़ें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ रही हैं, जब वाटर को स्प्रे किया जा रहा है और एयर को पास किया जा रहा है, एयर का जो पैसेज है वो आपने देखा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, पहले एयर का पैसेज बॉटम साइड पे रहता था, अब एयर का पैसेज बॉटम टू लेके यहाँ पे टॉप तक कर दिया गया है, और ये ग्रिल के माध्यम से होता है, जैसे कि घरों में कूलर लगे होते हैं, कूलर के माध्यम से वहाँ पे आपकी ब्लेड डायरेक्शंस बने रहते हैं, ग्रिल्स बनी रहती हैं जिसके थ्रू भी एयर का सर्कुलेशन किया जाता है रूम के इनसाइड में, तो वैसे यहाँ पे ग्रिल्स लगी हुई हैं जो कि बार बार अप एंड डाउन या बोलना चाहिए स्क्रू टाइप के मैनर में ये रोटेट होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर का जो सर्कुलेशन है वो अपने आप वेरी करता है। दिस इज द कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट पॉइंट। तो जो कंपेरिजन हो रहा है ये आप देख रहे हैं प्रिंसिपल, जो कि उसमें पॉइंट है बहुत सारे, साइज और शेप, इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, वाटर लॉस एंड द लाइफ। तो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर और फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर में कौन कौन से पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देखने लायक है। अब नेचुरल ड्रॉट का जो कूलिंग टावर रहता है ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट को ज़्यादा फॉलो करता है, तो इसलिए इसकी हाइट जो रहती है वो ज़्यादा रखी जाती है, 125 मीटर हाइट का रहता है और 100 मीटर का डायमीटर रहता है, हाइपरबोलिक शेप का रहता है जैसा कि हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। जबकि फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर में 15 मीटर की हाइट रहती है, क्योंकि वहाँ पे फैन से हमें काम चलाना है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, और जो रेक्टेंगल बॉक्स रहता है काफ़ी लंबा रहता है, तो इसके बेस पे भी हम इसका जो है कंपैरिजन कर सकते हैं साइज एंड शेप के बेस पे। इनिशियल कॉस्ट यदि देखेंगे तो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर की ज़्यादा रहती है, और इसकी जो आपकी कॉस्ट रहती है वो कम रहती है फोर्स ड्रॉट की, हाफ ऑफ द नेचुरल टावर ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है नेचुरल ड्रॉट की वो कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे हाई होती है। वाटर जो लॉस होता है नेचुरल ड्रॉट में कूलिंग टावर में कम से कम होता है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा होता है। लाइफ जो रहती है इसकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ज़्यादा नेचुरल वे में बनता है, यहाँ पे इसकी लाइफ कम होती है। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे कम है, लाइफ ज़्यादा है, और वाटर लॉस यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, इनिशियल कॉस्ट बस इसकी ज़्यादा है। एक यदि पैरामीटर देख छोड़ के देखा जाए तो नेचुरल ड्रॉट का जो कूलिंग टावर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या बोलना चाहिए काफ़ी बेनिफिशियल है कंपेयरिंग टू द फोर्स ड्रॉट। तो फोर्स ड्रॉट का जो मेन है बोलना चाहिए
प्रिंसिपल जो है या बोलना चाहिए जो मेन पॉइंट है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है कंपेयरिंग टू द नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर वो कम रहती है, हाफ रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सुपीरियर मनाता है। बाकी इसमें जितनी भी ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट है या वाटर लॉस है ये ज़्यादा हो रहा है, लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से इसको वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन रहती है, ज़्यादा अमाउंट में हमें कंडेंसेशन करना रहता है। कूलिंग पॉन्ड की बात करेंगे तो ये आदमी के द्वारा बनाया गया है, एक वो रहती है टैंक रहता है, सम्प रहता है, सम्प सिस्टम, जहाँ की कूलिंग वाटर को कैरी करके पावर प्लांट में भेजा जाता है, और इट इज़ यूज्ड वेयर द सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल। कूलिंग पॉन्ड का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास लैंड अवेलेबल हो, और ये कूलिंग टावर का अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है। इट इज़ द सिंपल मेथड ऑफ द कूलिंग द कंडेंसर वाटर, जितना भी कंडेंसर से स्टीम निकल के आ रही है या वाटर निकल के आ रहा है हॉट वाटर, उसको ठंडा करने का काम करता है। एंड दिस मेथड इज लेस इफिशियंट देन द कूलिंग टावर कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर या कूलिंग टावर के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसका इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे कि कूलिंग टावर को बनाना मुश्किल पड़ रहा है। टाइप्स ऑफ कूलिंग पॉन्ड की यदि बात करेंगे तो नेचुरल और डायरेक्ट टाइप का आपका कूलिंग पॉन्ड होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि जैसा कि नेचुरल टाइप का कूलिंग टावर था वैसे कूलिंग जो पॉन्ड होता है वो भी आपका नेचुरल और डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉन्ड होता है। सिंगल डेक एंड डबल डेक कूलिंग पॉन्ड होता है। तीसरा यदि बात करेंगे तो स्प्रे पॉन्ड विथ लोअर फेंस टाइप का होता है। तो इस तरह की कूलिंग पॉन्ड्स होते हैं, तीन तरह के आपने देखे, नेचुरल एंड डायरेक्ट फ्लो कूलिंग पॉन्ड, सिंगल डेक एंड डबल डेक कूलिंग पॉन्ड, स्प्रे पॉन्ड विथ लोअर फेंस। नेचुरल फ्लो यदि कूलिंग पॉन्ड की बात करेंगे तो इट इज़ सो ए नॉन डायरेक्टेड फ्लो नेचुरल कूलिंग पॉन्ड। इन नेचुरल फ्लो सिस्टम वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर इज जस्ट अलाउड टू द फ्लो इनटू द पॉन्ड। तो जनरली क्या होता है पॉन्ड के केस में कि वाटर आपका कहीं रिवर्स में से आ रहा है, किसी सोर्स में से आ रहा है, किसी रिजर्वायर में से आ रहा है, वहाँ से कूलिंग की आ रही है। साथ ही साथ में यदि हॉट वाटर जो कंडेंसर साइड से बन रहा है तो उसको डायरेक्टली हम रिवर या आपके रिजर्वायर में छोड़ रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम जो है बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें मिक्सिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो कंडेंसेट निकल के आता है वो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको कि हम वापस से बॉयलर में रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये नेचुरल फ्लो टाइप का है कि जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हॉट वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर साइड, एक हॉस पाइप के थ्रू यहाँ पे लगा दिया गया है जहाँ पे कि पॉन्ड में पानी आ रहा है, हॉट पानी आ रहा है, तो कोल्ड वाटर को हम यहाँ से कलेक्ट करके दूसरे साइड से बॉटम साइड से कलेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप पॉन्ड में आप गारंटी मिल सकते कि इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल कम से कम होता है। अब यदि बात करें डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग पॉन्ड की यदि बात करें तो डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग जो पॉन्ड रहता है इसमें जो हॉट वाटर रहता है कंडेंसर साइड से आ रहा है वो मिडिल ऑफ कंडेंसर पे इंटर करता है। एंड डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया था बफल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इंटेक पॉइंट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बोलना चाहिए अलग टाइप से रहता है, और जो वाटर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है कूलिंग कराने के लिए। एंड दिस इज द डायग्राम कि कूल्ड वाटर कंडेंसर साइड पे जा रहा है अपन साइड पे, अभी आपने नेचुरल वे में देखा था कि नीचे साइड से जा रहा था, हॉट वाटर जो इसके नीचे आपका अंदर जा रहा है, बफल्स लगा दी जाती हैं ताकि डायरेक्शंस को हम डाइवर्ट कर सकें। जैसा कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स आपने भी पढ़ा हो कभी, तो यहाँ पे काउंटर फ्लो टाइप का हीट अरेंजमेंट है कि पानी के द्वारा पानी की ही कूलिंग की जा रही है, तो वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर टाइप का ये कहलाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंजर है एक प्रकार से। सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड यहाँ पे आप देखेंगे, डबल डेक के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट जो रहता है कम रहता है। एंड जो वार्म वाटर आ रहा है कंडेंसर से इसको स्प्रे किया जाता है नोजल पे लार्ज एरिया पे, और कूलिंग इफेक्ट जो है लॉस होता है एवापोरेशन और विंडेज के द्वारा। तो हॉट वाटर इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर साइड, जो गर्म पानी कंडेंसर से आ रहा है स्प्रे नोजल जो ये बने हुए हैं आप देख रहे हैं, जो कूल्ड वाटर है कंडेंसर साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल वर्किंग होने के बाद जितना भी पानी है वो नीचे साइड पॉन्ड पे गिरता है और जो ठंडा पानी है उसको इकट्ठा करके हम यहाँ से कंडेंसर साइड पे भेज देते हैं। डबल डेक की भी बात करेंगे तो स्प्रे नोजल जो है अरेंज डिफरेंट एलिवेशन में किए जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट जो रहता है ज़्यादा रहता है कंपेरिजन टू द सिंगल विथ एयर एट द लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं
डबल डेक टाइप का लगाया गया है, तो हॉट वेटर जो रहता है कंडेंसर से आ रहा है, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, पहले वहाँ पे सिंगल डेक था, सिंगल डेक में ज़्यादा नोजल्स नहीं लगे थे, डबल डेक में नोजल्स जो है बढ़ा दी गए हैं, बड़े नोजल्स और छोटे नोजल का मिक्सअप कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम डबल डेक पड़ गया है। विद द लोवरेंस फेंस जो रहता है, जहाँ पे की वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए रहती है, विंड की वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे हम इस टाइप के पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बैफल डायरेक्शन जो रहता है, ग्रिल टाइप का जो देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये लोअर फेंस के रूप में जानी जाती है, कई जगह इसको ग्रिल बोलते हैं, कई जगह इसको लोअर फेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर टू वाटर हीट एक्सचेंज हो रही है, वो ये देख रहे हैं आप कि पानी जो है गर्म पानी आपका कंडेंसर साइड से आ रहा है, और आफ्टर द दिस ग्रिलिंग एक्शंस ऑन द लोअर फेंस एक्शन, ये जो वाटर जो रहता है कई जगह से ठंडा होता हुआ अंदर जाता है, और फिर यहाँ पे वापस से इसको स्प्रिंग नोजल के थ्रू स्प्रेइंग कराई जाती है, ताकि वो यदि यहाँ पे आके गिरे, पॉन्ड पे आके गिरे, तो वो ठंडे पानी के रूप में आ जाए, और जो ठंडा पानी रहता है वो यहाँ से निकाल के कंडेंसर भेज जाता है। इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि इम्प्योरिटीज जो अभी तक डायरेक्टली आ रही थी उसको अवॉइड करने का तरीका भी लोअर फेंस के थ्रू लिया जाता है। एडवांटेज क्या रहते हैं कूलिंग पॉट के, इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लेस, सिंपल इन डिजाइन एंड अरेंजमेंट, ये कूलिंग पॉट का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखेंगे तो रिक्वायर द लार्ज एरिया फॉर द कूलिंग, कूलिंग के लिए लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, मोर अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द एवेपोरेशन एंड विंडेज रन, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की जो वाटर का है वो लॉस होता है ड्यू टू द एवेपोरेशन, एंड लो कूलिंग इफिशेंसी, कूलिंग इफिशेंसी कम से कम रहती है, जिस कारण से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड देयर इज़ अ नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर ऑफ कूल्ड वाटर, यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग नहीं रहती है, जो भी कूल्ड वाटर का टेम्परेचर है उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली वाटर जो है वो आपका कंडेंसर साइड से आ रहा है और रिवर साइड पे जाके फिर उसको हम सप्लाई वापस से कर रहे हैं। तो दिस इज द टुडे लेक्चर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी।